मेरा नाम मुकेश है, मैं जयपुर से रहने वाला हूँ। ये मेरे पिताजी हैं, इनका नाम रामदयाल जी हैं। इनकी उम्र लगभग 60 साल के लगभग है। इनकी काफ़ी समय से बीमारी चल रही थी। उनका सबसे बड़ा समस्या था कि जो उड़ते हैं और गिर जाते थे, मतलब एक तरह का माइग्रेन जैसी समस्या हमारे को लग रही थी पिछले 5-6 सालों से। लेकिन हमने जयपुर के टॉप डॉक्टर्स हैं उनको हमने कंसल्ट किया, उनका लगभग हमने 1-1.5 साल दवाएं भी ली, लेकिन हमें ऐसा लगा नहीं कि कोई रिलीफ मिला। लेकिन हम कंटिन्यू, हम नाम से चल रहा था कि टॉप डॉक्टर्स हैं तो उनको दवाएं लेते रहे, हम लेते रहे। तो अभी हमारे हमारे परिवार के अंदर ही हमारा अजय नाम का एक भाई है, उन्होंने डॉक्टर साहब नितिन जी के बारे में बताया और उनसे हमने कंसल्ट किया पिछले 3 से 4 महीने पहले। तो उनको जैसे ही हमने कंसल्ट किया, उन्होंने भी कुछ माइग्रेन संबंधी एक महीना 15-20 दिन दवाई चलाई, उन्होंने टेस्ट किया ऐसा कुछ बीमारी है क्या, लेकिन हमें उनको पता लगा कि ऐसा कोई बीमारी है ही नहीं। पिछले हम 1.5-2 साल से वो दवाइयाँ खा रहे थे, ऐसे कोई समस्या उनको लगी ही नहीं। फिर उन्होंने पता किया कि बीपी का समस्या है, बीपी उनका फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उन्होंने फिर बीपी की दवाई चालू की, फिर धीरे धीरे ऐसा लगा हाँ 100% में 10% 20% उनका ठीक होने लगे। लेकिन अचानक ही फिर धीरे धीरे उनको समस्या ठीक होने लगी धीरे धीरे, और फिर अचानक अभी पिछले 1 वीक पहले उनको हार्ट अटैक का भी समस्या आई है। लेकिन डॉक्टर अंशुल सर ने उनका ऑपरेट किया और मुझे लगता है कि इनका बीमारी जो थी 90%+ मान लेंगे अपन कवर हो गया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर नितिन गुप्ता जी का, जिन्होंने हमारे पिताजी को काफ़ी हद तक ठीक किया है और अभी भी उनका दवाइयाँ चल रही है। आगे मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नितिन कुमार गुप्ता है, मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में। हम चर्चा करेंगे एक पेशेंट के बारे में जो कि 60 साल के मेल हैं। ये लगभग 3 महीने पहले हमारे पास आए थे। इनको जो प्रॉब्लम थी कि जैसे ही ये खड़े होने की कोशिश करते थे, इनको चक्कर आते थे, बेहोशी आती थी और ये गिर जाते थे, और ऐसा पिछले 3-4 साल से था। और ये लगभग रोज़ाना होता था, दिन में कई बार 4 या 5 बार तक भी होता था, जिसके चलते उन्हें कई बार चोट भी लगी थी और उनकी लाइफ काफ़ी ट्रबल्ड थी इस चक्कर में। उन्होंने मल्टीपल कंसल्टेशंस भी ली थी एंड उनका जो डायग्नोसिस जो डॉक्टर्स बना पाए, वो उन्होंने एपिलेप्सी डायग्नोस किया था एंड वो 4-5 एपिलेप्सी या जो मिर्गी की दवाइयाँ हैं वो ले रहे थे, बट ये सिम्टम्स उनके कंट्रोल नहीं थे। फिर हमने जब ये मणिपाल आए तो हमने इनको बहुत ध्यान से सुना, इनके सिम्टम्स को जब हमने इवेल्युएट किया तो हमें लगा कि ये दौरे नहीं हैं, ये लो बीपी की समस्या हो सकती है जो कि पहले ये डायग्नोज नहीं हो पाया था। फिर हमने इनका लेटे हुए का बीपी, खड़े हुए का बीपी देखा तो उसमें बहुत ड्रामेटिक फ्लक्चुएशंस थे, जिनके चलते ये बार बार इनको फेंटिंग अटैक्स हो रहे थे जो कि एपिलेप्सी करके मिसडायग्नोज चल रहे थे। तो हमने फिर इनके धीरे धीरे कुछ एक जाँचें की और इस चीज़ को कंफर्म किया। इस चीज़ को कंफर्म किए जाने के बाद में हमने कुछ हार्मोनल टेस्ट भी रन किए जो इस तरह की परिस्थिति को पैदा कर सकते हैं, जिसके लिए हमने उन्हें भर्ती रखा। सारी जाँचें करने के बाद हमने धीरे धीरे इनकी सारी मिर्गी की जो दवाइयाँ हैं उनको एक एक करके हमने हटा लिया और जो बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ हैं वो हमने शुरू की। इस बीमारी को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। आज के दिन मरीज बहुत स्वस्थ हैं। जो 4 साल से जो एक फेज़ उन्होंने देखी है वो एब्रप्टली जैसे ख़त्म ही हो गई है। अभी भी इक्का दुक्का कभी उनको ऐसा आता है, बट वंस इन अ वाइल 10 दिन में एक बार, जो पहले 1 दिन में 10 बार था, अदरवाइज़ वो घूमते हैं फिरते हैं, सारा अपना डेली एक्टिविटी खुद ही करते हैं। और जो बड़े वाले अटैक है जिसमें वो गिर जाते थे वो तो बिल्कुल बंद हो गए हैं। सो धन्यवाद आपको कि मैंने आपने मुझे सुना। इस तरह की जो भी अच्छे केसेज हैं जो हमने डायग्नोज किए, हम आगे भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नमस्ते।